वेलकम स्टूडेंट्स, ये बीए एंड बीए बीएड थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर की क्लास है। इस क्लास के अंदर अपन इंडियन पोइट्स को पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने अर्थम पॉट्स जो पोइम जो है उसके ऑथर को अपने पढ़ा था। इसका नाम है ओ एन वी क्रोम। ओ एन वी इस ऑथर के बारे में हमने पढ़ा था और साथ ही साथ हमने इस पोइम की समरी भी पढ़ी थी। समरी इसलिए पढ़ाई थी ताकि आपको पोइम जो है जब मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझाऊं तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। ये इम्पोर्टेंट पोइम है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। अब मैं इस पोइम की एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। आपको पोइम की लाइन समझ में आई। पोइम एकदम सिंपल लैंग्वेज में है, पोइम सिंबॉलिक पोइम है। पॉट्स जो है यहाँ पर अर्थम पॉट्स जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए आया है। इस बात पर ध्यान रखें, जो भी कोई पढ़ा है ध्यान क्या रखना है, अर्थम पॉट्स जो है वो किसको रेफर करता है, ह्यूमन बींग्स को रेफर कर रहा है। मतलब अर्थम पॉट्स की जो भी बात हो रही है, ऑल द इवेंट्स रिलेटेड टू अर्थम पॉट्स आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। जो भी चीज अर्थम पॉट्स के बारे में कहेंगे तो सारी की सारी मतलब ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। जिस तरह मिट्टी का बर्तन जो होता है वो जल्दी टूट जाता है, उसी तरह ह्यूमन बींग भी है। जस्ट लाइक अर्थम पॉट्स है वो मिट्टी के बर्तन के समान है, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। ठीक है ना, तो हम एक लाइन पढ़ेंगे। हाउ लॉन्ग हैव बीन remain here thus two empty earthen pots two empty earthen pots gazing at each other close by in the potter's yard ये ओपनिंग लाइन्स हैं इस पोएम में। ओपनिंग लाइन्स क्या कह रही है, हाउ लॉन्ग वी हैव बीन, वी किसके लिए है, अर्थम पॉट्स के लिए है। अर्थम पॉट्स कह रहे हैं वी हैव स्पेंड अ लॉन्ग टाइम इन द पॉटर्स यार्ड। पॉटर्स यार्ड दिस प्लेस पॉटर कौन है, वन हु मेक्स पॉट्स, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको क्या कहते हैं, पॉटर कहते हैं। तो कुमार का एक आंगन है, कुमार का एक जगह है, वहां बहुत सारे पॉट्स जो है रखे हुए हैं। उनमें दो पॉट्स टू एम्प्टी पॉट्स दो एम्प्टी अर्थन पॉट जो है गेजिंग मींस लुकिंग एट ईच अदर। दीस टू अर्थन पॉट्स आर लुकिंग एट ईच अदर एंड दे हैव स्पेंट अ वेरी लॉन्ग टाइम सिटिंग ऑन द पॉटर्स यार्ड। पॉटर्स यार्ड से ऊपर वो काफी समय हो गया है, वो दोनों बर्तन जो हैं वो एक दूसरे को देखते हुए जा रहे हैं। अब क्या बातें करते हैं दोनों बर्तन, ये अपन अगली लाइन में पढ़ेंगे। सो क्लोज so close that softly brushing against each other and not
quite sure and not quite sure whether touching or not. Whether touching or not, gazing at each other, gazing at each other in inaccessible gaze, in adjustable gaze, we two utter pause. We two अर्थन पॉज। पोइट आगे कहता है किसके बारे में, अर्थन पॉज के बारे में। अर्थन पॉज सो क्लोज, सो क्लोज का मतलब वेरी क्लोज। दीज टू अर्थन पॉज आर वेरी क्लोज एंड सॉफ्टली ब्रशिंग, ब्रशिंग मींस टचिंग। इट सीम्स दैट दीज टू पॉज आर टचिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। And not quite sure. However, these two pots are not quite sure whether they are touching or not. हालांकि वो पूरा completely मतलब sure नहीं है इस बात को लेकर के कि वो आपस में touch कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। But they are gazing at each other. But these pots, just like human beings, gazing means looking. जैसे मैं बताया था, gazing means looking. They are looking at each other, एक दूसरे को देख रहे हैं। Inadjustable gaze का मतलब होता है unending, कभी न समाप्त होने वाला gaze का मतलब करेज, उत्साह, excitement भी कह सकते हैं। कभी न समाप्त होने वाले excitement के साथ वो एक दूसरे को देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? We do the other part. We किसके लिए है? टू अर्थ पॉट्स के लिए है। दोनों अर्थ पॉट्स जो हैं, दे आर लुकिंग एट ईच अदर इन अनएंडिंग एक्साइटमेंट। समझ में आ गई होगी लाइन, इजी है एकदम। आगे बढ़ते हैं अपन। Those who from golden goblets drink red wine may dismiss us, may dismiss us in contempt and extreme scorn we are made for the poor simple thought. कोई टाइप कहता है golden goblets का मतलब expensive pots का मतलब ये लोग महंगे सोने के महंगे बर्तनों में क्या पीते हैं? रेड वाइन, वाइन पीते हैं। वाइन विच इज कलर्ड इन रेड, जो रेड वाइन पीते हैं, मे डिसमिस, डिसमिस मीन रिजेक्ट। वे लोग जो महंगी चीजों में, महंगे बर्तनों में वाइन पीते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे मे रिजेक्ट अस। हो सकता है वे रिजेक्ट कर दें। किस भाव में? कंटेंट, कंटेंट हेट्रेड, वो हमको हेट्रेड में नफरत के भाव में। एन एक्सट्रीम स्कॉर्न, एक्सट्रीम स्कॉर्न का मतलब डीप डीप
रिजेक्ट कर दें। क्यों रिजेक्ट कर दें? बिकॉज वी आर मेड ऑफ अर्थन पॉट्स, क्योंकि हम अर्थन पॉट्स के बने हुए हैं, मिट्टी के बर्तन के बने हुए हैं, सॉइल के बने हुए हैं, हो सकता है उनको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि हम जो अर्थन पॉट जो है बीस के लिए है, अर्थन पॉट्स के लिए है, हम जो अर्थन पॉट्स होते हैं मेड फॉर द पुअर सिंपल फॉर्म, पुअर सिंपल फॉर्म का मतलब पुअर पीपल, पुअर पीपल, हम इसके किसके लिए बनाए गए हैं, हमें गरीब लोगों के लिए बनाया गया है, वे लोग पीपल हु डोंट हैव एनफ मनी, वे लोग जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, फॉर दोज पीपल वी आर मेड, ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, सुनने आ रही की लाइन है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, सब कुछ अपनी ह्यूमन लाइफ से रिलेट करना है, बताइए हमको। आगे बढ़ते हैं, वी आर चीप एंड मे इजीली पे, एंड मे इजीली, एंड मे इजीली वे ट्रू True, yet we are good enough to store, we are good enough to store the blessed gift of earth, the blessed gift of earth, water clear and pure, water clear and pure within our world and polluted, within our world and polluted. आगे कहता है, we are cheap is not expensive, not expensive, हम महंगे नहीं है, इजीली ब्रेक, इजीली ब्रेक का मतलब इजीली ब्रेकेबल, इजीली ब्रेकेबल, हम आसानी से टूट सकते हैं, ट्रू, दिस इज ट्रू, इट इज वेरी ट्रू दैट वी आर इजीली ब्रेकेबल एंड वी आर नॉट एक्सपेंसिव, लेकिन गुण क्या है, वी आर गुड एनफ, we have a quality, and when we have a quality to store this key, we have a quality to keep the blessed gift of earth, the blessed gift of earth matlab the beautiful gift of earth, the beautiful gift of earth provided by God, गॉड ने एक सुंदर उपहार दिया है, बस क्या कुछ गिफ्ट कौन सा है, द नेम ऑफ दैट गिफ्ट इज वाटर, उस गिफ्ट का नाम क्या है, वाटर है, एंड वाटर रिमेंस क्लियर एंड प्योर इन आवर वर्ल्ड, और हमारे अंदर वाटर जो होता है वो प्योर रहता है, क्लियर रहता है और अनपोल्यूटेड रहता है, अनपोल्यूटेड का मतलब क्लियर, तो वाटर क्या रहता है, एकदम क्लियर रहता है, प्योर रहता है, इसके अंदर इन आर वर्ल्ड हमारे अंदर और से हमारे अंदर प्योर एंड क्लियर रहता है, और ये वाटर क्या है, वाटर इज द ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ अर्थ प्रोवाइडेड बाय गॉड, वाटर एक गिफ्ट है गॉड का जो हमें मिला है इसके द्वारा, गॉड के द्वारा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, where tomorrow we shall be,
मेयर टुमारो वी शैल बी हंड्रेड्स लाइक अस हु आर क्राउडेड हियर हंड्रेड्स लाइक अस हु आर क्राउडेड हियर हु आर क्राउडेड हियर आर वेटिंग waiting for some unknown buyer to lift us up one by one and hold us to the ear and with a finger stroke quality test us with the sum quality test us by the sum हाँ से देखेंगे तो लाइन तो बोई डाइव कहता है दो भी या अर्थन पॉट्स और मिट्टी के बर्तन हालांकि मिट्टी के बर्तन में इवन आप मेकर्स में गॉड जो गॉड भी कह सकते हैं और पॉटर भी कह सकते हैं पॉटर जो को बनाने वाला है पॉटर जो है डू नॉट उसे कुछ पता नहीं है बेयर टुमारो वी शैल बी कल हम कहाँ होंगे जैसे कुमार बर्तन जो बनाता है पॉटर जो बर्तन बनाता है उसको खुद पता नहीं होता कि उसके बर्तन कल कहाँ होंगे उसी तरह गॉड ने हमको क्रिएट किया है और गॉड को खुद को पता नहीं है कि हम कल कहाँ होंगे हंड्रेड्स लाइक सैकड़ों हमने सैकड़ों जो है वह क्राउडेड हियर भी यहाँ बहुत सारी संख्या में मौजूद है हंड्रेड्स ऑफ अस आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर हियर आप वेटिंग को इंतजार कर रहे हैं वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं और सम अननोन बायर तो अननोन बायर आएगा कोई अनजान खरीदार आएगा तो लिफ्ट अस जो हमें उठाएगा अब वन बाय एक ही करके हमें उठाएगा एंड होल्ड अस द ईयर कान तक हमको ले जाएगा और हमको एक करके उठाएगा अपने कान तक उस बर्तन को ले जाएगा आगे ले जाएगा विद ए फिंगर स्ट्रोक उंगली से स्ट्रोक करेगा धार करेगा क्वालिटी टेस्ट हमारी क्वालिटी टेस्ट होगा बाय द साउंड तो सब साउंड के माने क्या होगा हमारी जो क्वालिटी जो है उसको चेक किया जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं If satisfied, he buys one and walks away. He buys one and walks away, followed by outside. Followed by our size that find us in one pot of gold that find us in one pot of gold an intense sense of loss an intense sense of loss of one who was one among us and one of us
होल्ड ऑफ अस, टेक होल्ड ऑफ अस ऑफ व्हेन डज आवर टर्न कम टू डिपार्ट, व्हेन डज आवर टर्न कम टू डिपार्ट and when it comes who would be the first to leave, who would be the first to leave. ये अधिकारी की आंख पर देखते हैं तो कोई टाइगर कहता है कि सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड कौन बाया, सेटिस्फाइड कौन बाया, बाय बिना यदि सेटिस्फाइड हो जाता है तो एक मतलब खरीदता है भाग समेत उस बर्तन को लेकर चल देता है, लेकिन उस बर्तन के साथी जो होते हैं अस्थाई जो वहाँ पढ़ते हैं वो उदास होते हैं, क्यों उदास होते हैं, दैट फाइंड अस इन मन वाटर दो मन सुनो, क्योंकि उनको दुख होता है कि उनका एक साथी जो है वो छोड़कर चला गया है, क्योंकि इससे कोई भी किसी बंधे हुए नहीं, एक साथी को छोड़कर चला जाता है इससे काफ़ी क्या होता दुख होता है, इसको क्या मानते हैं इंटेंस सेंस ऑफ लॉस उनके जीवन की एक बहुत बड़ी क्षति होती है, जिस तरह हमारे परिवार में से इतना कुछ छोड़कर चला जाता है तो हमें दुख होता है, वैसा ही दुख जो है इन बर्तनों को भी होता है, और वह समाज मन वो बर्तन जाता है जो हमारे बीच में एक सदस्य था, हमारे बीच में एक रिलेटिव था, एंड वन ऑफ अस टेक्स होल्ड ऑफ अस, हमें से एक जो था वो उसने वो खुले रखा था लेकिन वो छोड़कर चला जाता है, कोई कहता है और कहता हमारी जाने की बारी कब आएगी, जो तुम्हारी जाने की बारी आएगी वो उनका फर्स्ट मीन समझने वाला पहला कौन होगा, जाने वाला पहला कौन, क्योंकि कोई भी जो है किसी ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, इस तरह गॉड ने ह्यूमन बींग को क्रिएट किया है, और कौन सा व्यक्ति दुनिया छोड़ कब कब जाएगा इसका गॉड को भी पता नहीं है, ठीक है, मुझे लगता है कोई बात इस समय आ गई अच्छी तरह, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दोबारा पढ़ लेने एक बार जो मिलनी है वीडियो दोबारा देख लेना, मैंने समरी भी पढ़ बताई आपको इस कोई भी और यहाँ पर एक ही लाइन एक्सप्लेन करके बता दिया, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे, थैंक यू।